ऐसा लग रहा है ऐसे लग रहा है। खा लिया इसको और अब ये देखो एसी ना यहाँ पर फिट हो रहा है ये। गर्मी जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है दिन पे दिन। और आपको पता है कि हम लोग जो है राजस्थान में रहते हैं और आपको पता ही होगा कि राजस्थान में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अभी जो है मई जून जुलाई का भी महीना आने वाला है और अभी मई चल रहा है तो आपको पता है कि जून में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। अच्छा हमको सिखा रहा है। और अभी जो है धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। हमने जो अभी कूलर लगाया था वो भी यार एकदम फेल हो चुका है, वो भी इस गर्मी को नहीं सहन कर पा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बढ़िया बात है। टाइम हो गया हमने एसी नहीं लगवाया तो अब हमको जो है एसी लगवाना पड़ेगा। तो यार मैंने पापा से पूछा कि यार पापा एक एसी लगवा लो क्योंकि यार गर्मी आपका काफी ज्यादा बढ़ रही है और पापा को भी यार मतलब गर्मी काफी लगती है। तो इसलिए मैंने पापा से पूछा कि पापा अपन एक एसी खरीदते हैं। तो पापा ने फाइनली हाँ कर दिया है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज मैं आपको उस एसी की अनबॉक्सिंग करूंगा, दिखाऊंगा कौन सा एसी है, कितनी उसमें पावर सेविंग है, तो पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो के लिए आप लोग एक लाइक कर देना एंड जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई सर हमने एक ऐसा एसी मंगवाया है जो कि आपको काफी ठंडी हवा देगा और साथ में आपके काफी बिजली बचाएगा। हमने देखा होगा कि मार्केट में काफी ऐसे एसी होते हैं जो कि काफी ज्यादा बिजली खाते हैं लेकिन यार कूलिंग बिल्कुल भी नहीं देते यार। लेकिन हमने जो एसी मंगाया वो काफी कूलिंग देगा और आपकी बिजली भी काफी कम खाएगा। तो मैं आपको अगर कैलकुलेट करके बताऊं तो यार वो जो एसी है वो साल के केवल 600 यूनिट बिजली खाता है अगर हम उसको साल में लगातार चलाएं। तो अगर हम 600 यूनिट के हिसाब से देखें तो वो महीने का 50 यूनिट खाता है और अगर 50 यूनिट को अगर हम पैसों में कन्वर्ट करें तो 5 रुपए यूनिट के हिसाब से महीने के केवल 250 रुपए लगेंगे अगर हम एक महीने लगातार एसी को चलाते हैं। और आपको पता ही होगा कि अगर एक साल का 600 यूनिट खाता है तो हम यार पूरे साल तो चलाते हैं नहीं, हम लोग सिर्फ गर्मियों में चलाते हैं यानी केवल 3-5 महीने मान लो ज्यादा दादा 5 महीने चलाते तो 5 महीने में कितनी कम बिजली खाएगा यार वो। मतलब यार कूलर से भी सस्ता पड़ेगा हमें ये। और कूलर तो आपको पता ही है कितनी ठंडी हवा नहीं दे पाएगा लेकिन हमें एसी कूलर से भी कम की कीमत में हमें कितनी ज्यादा कूलिंग देने वाला है। ये जो है 5-स्टार एसी है, मतलब काफी हमारे पावर सेविंग इसमें होने वाली है। मस्त एसी मंगवाया है एकदम। तो चलो गाइस मैं आपको फाइनली रिवील कर ही देता हूँ कि वो कौन सा एसी है। तो वो है एलजी का ड्यूअल इन्वर्टर 5-स्टार रेटिंग वाला एसी। तो गाइस थोड़ी देर में वो एसी आने वाला है, उसके बाद में आपको उसकी अनबॉक्सिंग और वो कैसे हमारे कमरे में फिट होता है लाइव फिटिंग पूरी दिखाने वाला हूं। Many months later. तो फाइनली गाइस हमारा एलजी का 5-स्टार ड्यूल इन्वर्टर एसी आ चुका है। और यार जैसे कि देखो ये जो हमारे फिटिंग करने वाले हैं एसी को वो भी आ चुके हैं और वही जो है इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो है खुद अनबॉक्सिंग करेंगे तभी हमें जो है इस पे वारंटी मिलती है, अदरवाइज अगर हम इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं तो हमें जो इसकी वारंटी नहीं मिलती। बाकी देखो ये है इंडोर वाले की अनबॉक्सिंग हो रही है, आप जैसे कि देख रहे होंगे ये जो फिटिंग करने वाले भैया है यही कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आउटडोर की देखो हो चुकी है। और मैं आपको अगर थोड़ा बताऊं तो इसकी जो 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी आती है और 5 साल की पीसीबी की वारंटी आती है, बाकी पूरे एसी की जो है वो 1 साल की वारंटी आती है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा आ चुका है बाहर, ये आ चुका हमारे इंडोर यूनिट आ चुकी है बाहर और काफ़ी शानदार लगती है एलजी की। और ये जो है इसमें थोड़े से मैनुअल वगैरह हैं इसके रिमोट वगैरह, ये रिमोट और इसके यूज़र मैनुअल। तो ये देखो काफ़ी मस्त एसी आ रही है एलजी का, काफ़ी शानदार लग रहा है देखने में एंड साइज़ भी ठीक ठाक ही है इसका। एंड ये देखो 5-स्टार एसी है ड्यूल इन्वर्टर और ये इसकी पन्नी आई है बड़ी भी बड़ी सी। और ये देखो ये है इंडोर एसी, ये आउटडोर यूनिट जैसे कि देखो काफ़ी बड़ा है ये भी। और ये जो है सिल्वर कलर का हमें दिख जाएगा मिलने को मिल जाएगा और ये इसके साथ हमें पाइप भी देखने को मिल जाता है आउटडोर यूनिट के साथ। और ये जो है भैया इंडोर यूनिट को इसके ऊपर ही रख रहे हैं। तो गाइस ये है एलजी का 1.5 टन ड्यूल इन्वर्टर 5-स्टार रेटिंग वाला एसी और ये लगने वाला है हमारे प्राइवेट बेडरूम में। और जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे कि इसके जो है ऊपर की तरफ का फिल्टर है जो जिसको हमें जो है टाइम टू टाइम साफ रखना चाहिए। और देखो अब जो है इसकी टेप उतारे, पहले देखो ये डब्बा आया था इसमें अपना एसी आया था, ये था एलजी का एलजी लाइफ गुड। और ये देखो 4-5 स्टार्स का है ड्यूल इन्वर्टर और ये डब्बे आए थे इनके बड़े बड़े। और अभी हम लोगों ने फिटिंग करवाने के लिए बुलाई ली, चलो फिटिंग दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आप एसी देख लो,
तो गाइस ये है इंडोर यूनिट और ये जो है इसके नीचे है ये है आउटडोर यूनिट। और मैं आपको अगर दिखाऊं तो यार ये देखो ये जो भैया है ये आए हैं एलजी से फिटिंग करने के लिए। और ये देखो ये जो है ऊपर स्टैंड लगा रहे हैं इसका, इसके स्टैंड को फिट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर आएगा हमारा, यहाँ पे लगेगा एसी ये वाला। और ये जो है ये इंडोर यूनिट और ये जो है नीचे आउटडोर यूनिट जो कि बाहर लगेगा। मुझे भी नहीं पता कि भैया कहाँ लगाएंगे इसे, और आपको मैं फिटिंग दिखा देता हूँ पूरी। तो गाइस जैसे कि आप लोग देखो ये जो भैया है ये आउटडोर का स्टैंड बना रहे हैं। और देखो वहाँ पे जो है हमारे पास पावर बोर्ड नहीं था तो हमें जो है यहाँ पे अलग से पावर बोर्ड जो है एमसीबी लानी पड़ी। तो देखो ये है इसकी एमसीबी, ये देखो ये एमसीबी है इसकी। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो इसके अंदर ऐसी वाली एमसीबी है, इसके अंदर ये वायर लगाने का है। और ये है इसका वायर जो कि वहाँ कोने में हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो है पावर बोर्ड जो है नहीं लगा है वहाँ पे। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो भैया है वो इंडोर की जो स्टैंड है वो लगा रहे हैं और ये जो है पापा के हिसाब से लगा रहे हैं। पापा इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कहाँ पे किस साइड लगवाना है, तो बाबू जो है वहीं पर लगा रहे हैं। एंड यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लगाने में, तो इनके लिए यार आप लोग एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लगाने में। और पापा बता रहे हैं इनको कि कैसे लगाना है इनको। ये जो भैया है ये आउटडोर का स्टैंड बना रहे हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि भैया है वो भी दीवार में छेद करने के लिए मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो जो है यहाँ पे ड्रिल मशीन से छेद कर सके। और इंडोर का यहाँ पे पाइप निकालने के लिए, इंडोर जो यूनिट है उसका पाइप निकालने के लिए आउटडोर यूनिट पर। इसके साथ जो इसका बॉक्स आता है एसी का, उसके अंदर आपको ये मिलता है कार्ड वगैरह थोड़े। अमेजोन से आएगा जी एसी, तो इसका बिल मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉन्स वैल्यू 45,000, ठीक है। तो ये तो हो गया बिल। और दूसरी चीज़ आई थी इसके साथ हमारी, और ये पूरा पैकेट आया था। एंड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ये जो है इसका यूज़र मैनुअल है, ये इसको कैसे लगाया जाता है। ये देखो ये पूरा इसका मैनुअल है। और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है ये एयर कंडीशनर, ये देखो इसका पूरा मैनुअल है ये। एंड आपको मिलता है ये रिमोट, बस उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है अपने, अच्छा लग रहा है बेटा। हाँ तो गाइस ये देखो छेद हो चुका है क्योंकि जो पाइप है ना पानी वाला वहाँ अंदर से जाएगा, फिर वहाँ बालकनी में निकलेगा सीधा। सोचो बड़ा छेद करेंगे पर सही करा। हाँ ज़्यादा नहीं है इस पे। अब अपना अच्छी तरह हो जाएगा एकदम। देखो यहाँ पे अभी दूसरे छेद हो रहे हैं, वहाँ से निकलेगा पाइप और वहाँ से सीधा वहाँ जाके फिर वहाँ बाथरूम में लग जाएगा पाइप। देखो यहाँ पर ये पूरा लगा दिया है, वहाँ से पाइप निकलेगा वहाँ किचन में से फिर सीधा बाथरूम में निकलेगा। देखो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला ये जो एयर कंडीशनर है ये पूरा उठ के यहाँ पे लगेगा देखो बाथरूम में। देखो यहाँ पे चेक करा है, यहाँ से निकल के जो खिड़की है ना यहाँ इस पर लग जाएगा पूरा। तो अब जो है एसी लगने की बारी है, तो जो मेन एसी है वो अब लग रहा है यहाँ पे। ये है गाइस मेन एसी, देखो इस तरीके का है। देखो यहाँ से ऐसे ही है, इस तरीके का सीधा लग जाएगा वहाँ पे। देखो यहाँ से ये इसकी पंखड़ियाँ एल जी है, 5-star पावर सेविंग गाइड। ये देखो ये जो पाइप है ये डायरेक्ट उस वाले छेद में जाएगा और उस छेद से जो है सीधा बाथरूम में जाएगा। उस ये जो है ये पाइप कनेक्ट हो जाएगा उसके वो वाले पाइप से, और ये जो पूरा है ना ये पूरा चीज़ ये बाथरूम में लगेगी। देखो गाइस ये तीनों पाइप एक साथ जुड़ेंगे फिर ये मेन पाइप लगेगा उसके अंदर से। और ये है इसका स्टैंड जिस पे जो है ये एसी टिकेगा ना पूरा, इस पे लगेगा। अरे डुअल इन्वर्टर एसी गाइस एलजी का है ना। आपको भी अगर एसी खरीदना है तो एलजी का जरूर से खरीदना, एलजी का काफ़ी अच्छा एसी देता है। ओके लग चुका है ये डिटेल्स। इसकी फिटिंग कर रहे हैं अच्छी तरह, और ये उठा लिया एसी को। और अब ये जो देखो एसी है ना यहाँ पर फिट होगा पूरा। ये देखो मैंने आपको कहा था ना ये जो पाइप है
ये अंदर का जा चुका है और ये एसी लगेगा इधर वाली साइड पे। और देखो यहाँ पे देखो पूरा टिक जा रहा है ना, देखो यहाँ पे फिट हो चुका है क्योंकि इसके पीछे जो लोहे की पतड़ी लगी हुई थी उस पर फिट हो चुका है पूरा। देखो से भी कनेक्ट होता है और ये देखो इसको ऑन करने का, तो चलो इसको ऑन करते हैं। तो चलो गाइस एक्साइटेड, और ये लो आ गाइस देखो यहाँ पे डिस्प्ले आ चुकी है। आपको देखो ऐसा नहीं लग रहा होगा यहाँ पे कोई डिस्प्ले है, ऐसा लग रहा होगा कि एसी के ऊपर ही चल रहा है। और जैसे कि आप देखो अभी मैंने इस पर चला रखा है 40% सेविंग, यानी ये वो मोड है जिस पर ये बहुत कम यूनिट बिजली खाएगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि ये बहुत कम बिजली खाएगा, वो वाला मैंने भी चला दिया है। और शुरू में तो यार मैं आपको एक बार इसका हाइपर कूल भी चला के दिखा देता हूँ, 6-in-1 विराट, ठीक है। और ये चालू हो गया इसका हाइपर कूलिंग मोड जिस पे ये काफी ठंडी हवा देता है। गाइस अगर आप ये जो ये वाला मोड होता है विराट 6-in और विराट वाला, उसको अगर आप 10 मिनट चला के रखो तो पूरे कमरे को एकदम ठंडा कर देगा। बाकी आप देखो मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं यार, मतलब ये एसी और इतनी ठंडी हवा दे रहा है ना, मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है। और बाकी मैं आपको अगर इसके देख सकते होंगे बाकी और फीचर दिखाऊं तो एक कंफर्ट एयर है इसमें, एक गाइस इसमें एक फीचर और है, आप इसमें टाइमर सेट करके सो भी सकते हैं। मतलब आप इसमें टाइमर सेट कर दो और सो जाओ, और जब भी आपका टाइमर खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली एसी को बंद कर देगा। तो ये काफी अच्छा फीचर मेरे को लगा। तो अब बात करते हैं कि मेरे को ये एसी पर्सनली कैसा लगा कूलिंग में। तो भाई कूलिंग में ये एसी एक नंबर लगा यार, मुझे बहुत मस्त एसी है, कूलिंग बहुत ज्यादा ठंडी दे रहा है, देखो कितनी ज्यादा ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। और साथ ही साथ में मेरे को एक बात इसकी और अच्छी लगी कि ये काफी ज्यादा कम बिजली खाता है, एक कूलर के मुकाबले भी काफी कम बिजली खाता है। तो भाई जैसे कि मैं आपको रिमोट बताऊं तो अब यहाँ पे देख सकते होंगे, मैं आपको फीचर बताऊं तो ये वाला जो स्विंग है
ये इधर उधर है मतलब ऐसे और इधर, मतलब ये जो अंदर वाली पंखड़ी है ना वो इधर उधर होगी, और जो ये वाला स्विंग है ना उसमें जो ये व्हाइट व्हाइट है ना जो ऊपर नीचे हो रहा है जिसको मैंने अभी दबा रखा है, ये ऊपर नीचे होगा। और यहाँ पे स्लीप मोड है, जब आप स्लीप करते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे टाइमर है, और ये टाइमर का सेटअप करने का यहाँ पर है, और यहाँ पे फंक्शन वगैरह का कुछ है। एंड ये देखो ये इसका हाइपर कूल, और 10 मिनट आप जो हाइपर कूल है उसको चलाओगे ना तो आपका रूम एकदम ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद आपको आप जो इसको ला सकते हैं 6-in-1 पावर सेविंग मोड पे। सबसे पहले तो ये देखो ये ऑटो कूलिंग मोड, मतलब ये आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से ही कूलिंग देगा। और उसके बाद आता है यहाँ पे 80%, आप यहाँ पे देख सकते होंगे 80% बिजली सेव करेगा। और उसके बाद अगर इसका फिर से दबाऊं तो ये सेव करेगा 60%। और अब आएगा बहुत शानदार वाला मोड जो कि है कि देखो ये केवल 40%, मतलब अगर आप इसको 40% पे सेट कर देते हो तो मतलब बिजली बिल्कुल खाना बंद कर देगा, और अभी भी काफी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है यार। और हाँ यार, अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए, इसकी कूलिंग टेस्ट तो डिटेल रिव्यू, इसके कितने आपके खर्चा आता है, इसके फंक्शन क्या क्या है, पूरा अगर आपको इसकी रिव्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में जरूर से बता देना किस चीज पे, इस चीज की आपको क्या चीज पे रिव्यू चाहिए, वो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। तो भाई आपको कैसा लगा यार एसी, हमें कमेंट करके जरूर से बताना। एंड हाँ, एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप भी एक एसी लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप एलजी का 5-स्टार ड्यूल इन्वर्टर 1.5 टन का एसी जरूर लेना, क्योंकि काफी आपकी बिजली यह बचाएगा। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती तो आप इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, एंड जो भी चैनल पे है उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको एसी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताना। चलो मिलते हैं फिर किसी अगले बेस्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।